हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ग्वार की फली। ग्वार की फली हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि जब हम ग्वार फली खाते हैं तो क्या होता है, हमारा इसके खाने के बाद पेट बहुत अच्छे से साफ होता है और हमें जो कॉन्स्टिपेशन होती है उसकी भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप ग्वार की फली खाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्दी रहेगी और बहुत ही अच्छी बनेगी ये। तो आप मेरे तरीके से एक बार बनाकर देखिएगा। तो ये मैंने क्या किया है, मैंने आधा किलो ग्वार की फली ली है। ये देखिए बिल्कुल फ्रेश ग्वार की फली है। तो अब हम क्या करेंगे, ये ग्वार की फली एक दो लेकर ना इसका जो टॉप वाला हिस्सा है ना, हमें इसको हटा देना है, ठीक है। और ये साइड वाले दोनों, और इसको अपने साइज की, जैसे आप चाहें छोटे थोड़े बड़े, इस हिसाब से इस साइज का इसको काट कर आपको तैयार करना है। अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये देखिए मैंने सारी ग्वार की फली को काट लिया है। उसके बाद मैंने इसको धो लिया और धोने के बाद मैंने इसमें पानी डालकर रख लिया। तो चलिए चलते हैं इसे बनाने की तरफ। तो मैंने गैस पर ये चढ़ा लिया पैन, और पैन में अब मैं ये डाल रही हूँ, ये जो फली है ना, ये जो पानी के साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इनको ऐड करने के बाद अब हम इसके लगा देंगे ढक्कन, और ढक्कन लगाने के बाद अब हमें इसको पका लेना है। इसे हमें कम से कम 90% पकाकर तैयार करना है। तो इसे हम पहले पकने देते हैं, तब तक हम कर लेते हैं इसके मसाले की तैयारी और इसको रख देते हैं एक साइड गैस की तरफ, दूसरी गैस पे मींस। तो हमें क्या करना है, हमें आगे आगे मसाला बनाने के लिए ग्वार की फली का, ये हमें एक बड़ा प्याज लिया है और ये चार लहसुन की कलियां हैं। ये थोड़ा बड़े साइज की लहसुन है इसलिए मैंने चार ली है। अगर आप चाहें तो कम 6-7 लहसुन कलियां लें, अगर वो इससे छोटे साइज की हो। ये देखिए थोड़े बड़े साइज वाली हैं ये लहसुन। और ये टमाटर, तो टमाटर का हमें क्या करना है, इसका तो हमें पेस्ट बना लेना है और इसको हमें बारीक बारीक काटना है प्याज को, और ये लहसुन है वो टमाटर के साथ ही पीस लेना है। तो चलिए फटाफट हम प्याज को काट लेते हैं और लहसुन का पेस्ट बना लेते हैं, लहसुन और टमाटर का। और साथ ही इसमें ये मिला दें, मैं पहले नमक बताना भूल गई थी, तो अभी तो ये उबली नहीं है तो मुझे याद आ गया, पानी में उबाल आती इसमें नमक भी ऐड करना था तो मेरे दिमाग से उतर गया। तो इसमें हमने नमक भी ऐड कर दिया है ताकि जो हमारा नमक है वो फलियों के अंदर अच्छे से हो जाए। और अब हम इसे फिर से ढक देते हैं और इसे हम उबलने देते हैं आराम से, तब तक हम इसके मसाले की तैयारी करते हैं। हम इसमें ऐड कर रहे हैं ये 1 चम्मच से थोड़ा सा कम जीरा। और जब जीरा ये हमारा अच्छे से तड़क जाए, ऐसे जीरा तड़क हो जाए, तब हम इसमें ऐड करेंगे ये हमने जो प्याज काट के रखी थी। और साथ ही ये 1 हरी मिर्च, इसे भी मैंने काट के रखा था। और अब हमें प्याज को ब्राउन होने तक भून लेना है, गोल्डन ब्राउन होने तक। तो हम इसे भून लेते हैं। ये जो हमारी प्याज है वो भुन चुकी है, ये देखिए ये अच्छे से भुन गई है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमने मसाले लिए हैं, ये क्या हुआ है, जो मैंने ली थी इसमें मिर्च, 2 चम्मच मिर्च लिए और 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिया था, तो गलती से मुझसे कटोरी हिल गई और दोनों चीज़ें आपस में मिक्स हो गई, तो इसलिए दोनों चीज़ें हैं। और ये 1.5 चम्मच धनिया पाउडर है और ये नमक है स्वाद के अनुसार। तो इन मसालों को डाल लेते हैं और गैस की फ्लेम लो कर देते हैं। तो हमें मसालों को सिम फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए भूनना है, बहुत ज़्यादा देर नहीं। तो ये देखिए मसाले हमारे भून चुके हैं। तो अब ये जो हमने टमाटर का पेस्ट बनाया था ना और लहसुन का, वो भी इसमें डाल लेते हैं और इसको डालने के बाद अच्छे से मिक्स करते हैं। और जैसे ही ये हो जाएगा मिक्स, वैसे ही हमें क्या करना है, इस पर ढक्कन लगा देना फटाफट। तो हम इसे ढक और इसे हम देते हैं तब तक मसाले को अच्छे से पकने। तो आइए कर लेते हैं हम को। तो ये देखिए जो मसाला है हमारा कितना अच्छे से भूनकर तैयार हो गया है और मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है। तो जो हमारी ग्वार की फली है ना जो उबल रही थी, वो इनमें ऐड करते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। तो ये देखिए ये जो ग्वार की फली थी ना हमने उबाल के रखी है, वो इसको हम इसके पानी के साथ ही डाल देते हैं।
और इसके बाद हमें इसको मिक्स कर देना है। जब ये 80-90% ये जब पक चुकी हैं उसके बाद ही हमने इसको गैस से उतारा है और उसके बाद ही हमने इसे मसाले में डाला है। तो अब हम इसे देते हैं ढक और ढक कर हमें इसको पूरा 100% पकाना है, तो हम इसे पकने देते हैं फटाफट से। तो आइए चेक करते हैं हमारी सब्जी बनी कि नहीं। तो ये देखिए हमारी सब्जी बनकर तैयार है और इसमें मैंने हल्की सी ग्रेवी रखी है। ये देखिए बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं है, बहुत हल्की सी इसके अंदर ग्रेवी है। तो हमारी सब्जी बनकर हो गई है रेडी। तो गैस की फ्लेम को करते हैं बंद और अब हम इसमें डालेंगे धनिया, साथ हम कर देंगे धनिया को मिक्स। ये देखिए हमारी परफेक्ट सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है और अब हम इसे करेंगे सर्व एक बाउल के अंदर। तो भाइये करते हैं ये गर्मा गर्म सब्जी की प्लेटिंग। ये देखिए कितनी बढ़िया और टेस्टी सी ये हमारी जो सब्जी है वो बनकर तैयार हो गई है और ये खाने में भी इतनी टेस्टी होती है और साथ ही इसके बेनिफिट भी काफ़ी सारे हैं जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया था। तो आप इस सब्जी को बनाइए और खाइए और बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए वाह बनी है ना एकदम टेस्टी सब्जी। तो अब हम इस पे थोड़ा सा हरा धनिया और डाल लेते हैं गार्निशिंग के लिए और हमारी ये टेस्टी सी सब्जी बनकर तैयार है। आप इसे खाइए राइस के साथ, चाय पराठे के साथ और चाहे तो रोटी के साथ, जिसके साथ आपका मन हो खाइए और इंजॉय करिए। और मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।